सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस बीच वेदांता के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल ने सोने जितना ही दमखम रखने वाली अन्य धातुओं में निवेशकों को मौका तलाशने की सलाह दी है। उन्होंने 10 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर इन धातुओं में निवेश की सलाह दी है। इन धातुओं में उन्होंने तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक और चांदी का जिक्र किया है। दरअसल पिछले 5 सालों में रुपए के मूल्य में गिरावट, भू राजनीतिक तनाव, कोविड-19 महामारी और संघर्ष जैसे अलग अलग फैक्टर्स ने मिलकर सोने की कीमतों को हवा दी है। इसके दाम 75% तक बढ़े हैं। सिर्फ 3.3 साल में सोना 40,000 रुपए से बढ़कर 7,00,000 रुपए से अधिक हो गया। दूसरी ओर 2014 से 2018 तक सोने की कीमत में 12% की मामूली बढ़ोतरी देखी गई थी। ये 28,000 रुपए से बढ़कर 31,250 रुपए हो गया था। अनिल अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि निवेशक भू राजनीतिक और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में सोने की ओर रुख करते हैं। हालांकि ऐसी दूसरी धातुएं भी हैं जिनमें जोरदार डिमांड है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, आप सबने देखा होगा सोने की कीमत ऑल टाइम हाई पर है। ये एक साइकिल है। अपने लंबे अनुभव से मैंने देखा है कि भू राजनीतिक और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के समय निवेशक सोने की ओर आकर्षित होते हैं, अग्रवाल ने कहा। लेकिन वास्तव में कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और चांदी जैसी धातुओं में भी जबरदस्त मौके हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सोना अपने आंतरिक मूल्य के लिए जाना जाता है, लेकिन इन मेटल का महत्व उनके व्यावहारिक मूल्य के कारण सोने के समान ही है। उन्होंने कहा, ये मेटल आधुनिक प्रौद्योगिकियों की नींव रखते हैं, चाहे वे ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में हो, जैसे सौर पीवी सेल, बैटरी और ईवी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस सेमीकंडक्टर। अग्रवाल ने कहा, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये धातुएं पर्यावरण के अनुकूल हैं, जो जलवायु के प्रति जागरूक दुनिया का समर्थन करती हैं। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उनका खनन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन धातुओं की मांग डबल डिजिट में बढ़ रही है, जो उनकी आपूर्ति से कहीं अधिक है। चूंकि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है और अपनी विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, ऐसे में इन महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता की गारंटी महत्वपूर्ण है।